हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चे? आई होप ऑल ऑफ यू आर गोइंग स्ट्रांग और रेगुलरली आप लेक्चर्स वॉच कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं. एंड वी टेक अप दी लास्ट टॉपिक ऑन वेव ऑप्टिक्स टुडे. सो क्विकली अपन कनेक्ट होते हैं बच्चे, तो बात करते हैं अपन आज पोलराइजेशन की. सो दैट इज आवर लास्ट टॉपिक ऑन पोलराइजेशन. ओके बच्चे, इंटरफेरेंस को हमने डिटेल में देखा और राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोलराइजेशन. डायफ्रेक्शन की हमने बात की, YDSE की बात की, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की. तो बात करते हैं बच्चे पोलराइजेशन की. पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना है वो ये है कि जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं, ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं बच्चे, दिमाग में क्या आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं दिमाग में आता है ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो ये जो ऑप्टिकल इफेक्ट होते हैं तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से होता है. सी, सो ऑप्टिकल, कई बार हम ये क्वेश्चन ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस मींस Disturbance or fluctuation in electric field. तो ये important है. तो optical effect, light vector, इसीलिए electric field vector को अपन बोल देते हैं light vector. So that's the third point. So light vector implies electric field vector. एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ऑप्टिकल इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. पोलराइजेशन की बात करते हैं बच्चे. डायफ्रेक्शन बेसिकली अपन ने देखा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इंटरफेरेंस भी अपन ने देखा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, बोथ द फेनोमेनन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. Interference is superposition of two waves and diffraction superposition of many waves. Okay, so बाकी सारे details अपन ने देखे. बात कर रहे हैं बच्चे polarization के. Okay, so fourth point जो अपन यहाँ पे समझेंगे, light is basically transverse wave. Light is basically transverse वेव. ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये हुआ जो ऑसिलेशन है, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. सो लाइट इज बेसिकली अ ट्रांसवर्स वेव, राइट बच्चे? तो ये बेसिक चीजें अपने को पता है. अब ये पोलराइजेशन क्या है इसको अपन समझते हैं. सो लेट्स पुट इट एज अ फिफ्थ पॉइंट. पोलराइजेशन, इसका मतलब ये हुआ देयर आर मेनी प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशन. अब आप देखें, ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, सो ऑसिलेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. सो इनफाइनाइट प्लेन्स आर पॉसिबल. ऑसिलेशन, लाइट ऐसे जा रही है तो ऑसिलेशन ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है. सो आई कैन हैव मैनी प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशन, मैनी प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशन. सो दिस वी कॉल इट अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट. इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा. सो वी टेक अ डॉट एंड देन लाइक दिस. सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट.
there are numerous planes of oscillation. Electric field and magnetic field can oscillate in many planes. अब polarization का मतलब है restriction of planes of oscillation. So that's very very important. That's the fundamental meaning of polarization. So what we can say, the phenomenon of restriction of planes of oscillation, the phenomenon of restriction of planes of oscillation is called polarization. और जो डिवाइस यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड पोलराइजर एंड द डिवाइस इज रेफर्ड एज पोलराइजर. डिवाइस इज रेफर्ड एज पोलराइजर. बहुत सिंपल लैंग्वेज है बच्चे. मैंने कहा ना इंटरफेरेंस डायफ्रेक्शन कहते ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. पोलराइजेशन कहते ही द फेनोमेनन ऑफ restrictions of planes of oscillation, उसको polarization कहते हैं. And the device is referred as polarizer. तो अब ये जो unpolarized light है आप देख रहे हैं, so this is dot and arrow. अब मेरे पास दो possibility हो सकती है, तो I can represent like this only dot, or I can represent like this only arrow. ये रब चे. तो ये polarized light यहां पे जो है, this is polarized light. ये दोनों जो है आपके polarized light है. And this is unpolarized light. Unpolarized light ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. बहुत डिटेल में नहीं जाना है बच्चे अपने को, बेसिक लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए. नीट और एम्स में बहुत सिंपल से पॉइंट्स पूछे जाते हैं. बात कर रहे हैं बच्चे पोलराइजेशन की. सो द फेनोमेनन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशन, उसको अपन पोलराइजेशन कहते हैं. एंड द डिवाइस इज कॉल्ड पोलराइजर. ओके, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग. तो एक बात मुझे समझ में आ गई, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन की बात नहीं करेंगे. देर इज ओनली वन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, सो पोलराइजेशन इज रिलेवेंट ओनली इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव. तो इसका मतलब साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, तो अपन लाइट साउंड में पोलराइजेशन की बात नहीं करेंगे. इंटरफेरेंस डायफ्रेक्शन साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. सो पोलराइजेशन is meaningful in case of transverse waves only. Polarization is meaningful in case of ट्रांसवर्स वेव्स ओनली. साउंड में पोलराइजेशन की बात नहीं करेंगे. साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, वहां पे एक ही प्लेन ऑफ ऑसिलेशन होता है. ट्रांसवर्स वेव्स में देयर आर मेनी प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशन पॉसिबल. और अगर हम ऐसा कुछ कर दें, इफ वी रिस्ट्रिक्ट प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशन, तो दिस टेक्निकली वी मीन वी आर डूइंग पोलराइजेशन एंड द डिवाइस इज कॉल्ड पोलराइजर. ऑप्टिकल इफेक्ट आर ड्यू टू electric field component of the electromagnetic wave. So this is the simple language bache. Now how to achieve this polarization? Okay, so I'm just restricting myself to NCERT. Aur bache is chote se topic se jo bhi pucha gaya hai, it has been all simple. To aap usko dhyan se dekh le, jisse ki aapko numerical application mein दिक्कत नहीं आए. वही रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. राइट, सो वी टॉक अबाउट, आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 8th पॉइंट. एनीवे बच्चे 8th पॉइंट अपन यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट पोलराइजेशन.
ठीक है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, सो लाइक देयर आर पोलरॉइड्स, पोलरॉइड्स क्या, दीज आर बेसिकली लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, पोलरॉइड्स। अब इसमें प्रॉपर्टी ये है कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक्सिस के पैरेलल वो पास हो जाता है, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज एब्जॉर्ब्ड। सो व्हेन लाइट पासेस थ्रू पोलरॉइड्स, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू पास एक्सिस इज एब्सॉर्ब्ड एंड पैरेलल कंपोनेंट इज अलाउड टू पास। Hence, light becomes polarized. Hence, light becomes polarized. So, polaroids basically these are long chain molecules, और इनकी property होती है, these are basically long chain molecules. इनकी property क्या होती है, इनसे जब light pass होती है तो electric field का जो component है परपेंडिकुलर टू पास एक्सिस वो एब्सॉर्ब हो जाता है और पैरेलल कंपोनेंट इज अलाउड टू पास। तो अगर अपन ऐसा देखें, ये एंगल अगर अपन लेते हैं राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, और मुझे पता है इंटेंसिटी, आई नो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू square of amplitude, this is a fundamental point that we know it, intensity is proportional to square of amplitude, right बच्चे। अब आप देखो यहां पर it is like this, ये polaroid है, और so we simply say this is polaroid, polaroid P1, और ये light incident हुई, this is unpolarized light, right। अपन ने क्या किया, एक दूसरा पोलराइड ले लिया साथ में, तो आप देख रहे हैं, और ये जो लाइट यहां ट्रांसमिट हो रही है, अभी जो दोनों की पास एक्सिस हैं वो पैरेलल है, ये रहा ये पास एक्सिस, आप देख रहे हैं बच्चे पास एक्सिस, ये जो लाइट होगी ये इट विल बी पोलराइज्ड light, and this is of course unpolarized light, UPL short में unpolarized light, okay। तो अगर हम यहां बात करें, एक component absorb हो गया तो intensity on an average आधी हो जाएगी, और इस polaroid P2 को अपन rotate कर रहे हैं, polaroid P2 को rotate कर रहे हैं, तो वी हैव अ लॉ एंड इट इज कॉल्ड मैलस लॉ। इस पे बच्चे क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे पूछ लिए जाएंगे, मैलस लॉ। तो मैलस लॉ ये कहता है कि जो इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट की, दैट विल बी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इंटेंसिटी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन द पास एक्सिस, एंगल between the pass axis। तो ये जो transmitted light है, ये जो आप देख रहे हैं यहां से जो निकली polaroid P2 से, उसकी intensity vary करेगी, उसकी intensity depend करेगी polaroids के pass axis के बीच में angle क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, this is we call it pass axis, नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चे, इसके parallel component pass हो जाएगा और इसका perpendicular component
एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो दिस इज मैलस लॉ. अब इस मैलस लॉ के एप्लीकेशन में ध्यान क्या देना, दिस आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट. सो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट. इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी, यानी आफ्टर पासिंग थ्रू P1 से पास होने के बाद. और I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू P2. सो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट यानी P2 से पास होने के बाद. इसको इसीलिए P2 को एनालाइजर कह देते हैं. समटाइम्स वी कॉल दिस P2 एज एनालाइजर. पोलराइजेशन हो चुका है. सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट P1 से पास होने के बाद ये पोलराइज हो गई. एंड देन वी हैव अनदर पोलराइड और ये पास एक्सिस अभी पैरेलल है, इसको रोटेट कर रहे हैं. तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी वेरी करेगी. उसके लिए जो एक्सप्रेशन है इट इज I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा. And this is called Malus law. बच्चे straight away formula based questions पूछे जाते हैं, but इसको ध्यान से समझ लो. And that is very very important, right? तो ये जो है यहाँ पे अपने को ध्यान रखना. This is I not is intensity of polarized light, यानी after passing through P1. I क्या है, intensity of transmitted light after passing through P2. Polarizer. So this is Malus law. So polaroids, these are basically long chain molecules और इनसे जब light pass होती है तो pass axis के जो parallel electric field का component होता है वो pass हो जाता है और perpendicular component absorb हो जाता है. तो ये बच्चे अपने को ध्यान रखना है. दो बातें यहाँ पे, and that is very very important. And I put it in remark, and this is remark number one. पहले तो बच्चे graph देख लें. अगर मान लिया मुझे graph draw करना हो theta versus I, I यानी intensity, right? And after passing P2, after passing through analyzer P2, cos square theta. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे graph कुछ इस तरीके से होगा. This is like this. ये जो आप देख रहे हैं दिस इज थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड दिस इज I0. और ये जो आप देख रहे हैं थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू पाई. इस तरीके से ग्राफ होगा cos स्क्वायर थीटा, इंटेंसिटी का वेरिएशन, राइट. एंड दूसरा जो पॉइंट है आपको याद रखना है, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कंसेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए. इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइड बिकम्स ऑन एन एवरेज हाफ, ऑन एन एवरेज हाफ एज वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सॉर्ब, एज वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सॉर्ब, वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सॉर्ब. सो दीज आर द टू पॉइंट्स बच्चे जिन्हें अपने को ध्यान रखना है, right? So this becomes the Malus law. Another interesting point is there are other materials like Nicol prism. So that's your remark number three. So this you need to remember when light passes through Nicol prism. तो ये भी बच्चे आपको ध्यान रखना है, इट गेट्स पोलराइज्ड.
सो दैट इज नेचुरली अकरिंग, इट्स नॉट मैन मेड. सो दीज आर मटीरियल. सो निकोल प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो इट ऑल्सो गेट्स पोलराइज्ड, राइट? ओके, अब अपने सिलेबस में है पोलराइजेशन बाई स्कैटरिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. दैट इज पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन. सॉरी, नॉट स्कैटरिंग. यस, स्कैटरिंग आई विल टेक अप लेटर. पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन. ओके, एंड हियर ऑल्सो वी हैव अ लॉ. नो, सपोज वी टेक लाइक दिस. दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू. लाइट इंसिडेंट हुई बच्चे, तो अपने को पता है देयर विल बी रिफ्रैक्शन एंड देयर विल बी पार्शियल रिफ्लेक्शन. अपने को पता है इंटरफेस कैसी भी हो, देयर विल बी ऑलवेज पार्शियल रिफ्लेक्शन. तो ये ना बच्चे, दिस इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट. अब पाया ये जाता है, व्हाट इज फाउंड, देयर इज ए स्पेसिफिक एंगल एंड आई कॉल इट आईपी. और इस स्पेसिफिक एंगल पर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये जो लाइट है, दिस इज अनपोलराइज लाइट. ये रहा, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट एंड देन एरो, डॉट एंड देन एरो. तो आप देखेंगे बच्चे, ये जो ट्रांस रिफ्लेक्टेड लाइट है ये पोलराइज्ड होती है, और ये जो रिफ्रेक्टेड है इट इज पार्शियली पोलराइज्ड. तो एरो की लेंथ मैंने छोटी कर दी. तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कई सारे पॉइंट्स हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. तो आप देखेंगे ये यहां पर, ये दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट बच्चे? सो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन. तो ये जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट है, दिस इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट. ओके, सो क्या क्या ध्यान रखना है. देयर इज अ स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल. पोलराइजिंग एंगल at which partially reflected light is completely polarized, and this is important. So I can achieve polarization through reflection. There is a specific angle of incidence aur uska naam hai पोलराइजिंग एंगल, जिसपे पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड. दैट्स इंपॉर्टेंट. एक ऐसा एंगल है जिसपे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होती है. सेकेंड, रिफ्रेक्टेड लाइट एट दिस एंगल is partially polarized. Please students, remember these facts. Okay. Next, जो important है, reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. इसका मतलब ये हुआ, R plus R dash will be 90 degree. R plus R dash is 90 degree बच्चों. अच्छा, अब देखो एक खास बात. अगर मैं यहां पे Snell's law apply करता हूं, suppose if I apply Snell's law, तो it will be mu1. It will be sine
IP, polarizing angle, and that will be equal to mu 2 sin r dash, और ये हो जाएगा mu 2 sin 90 minus r. जैसे आप लिख सकते हो mu 2 cos r, और ये हो जाएगा mu 2 cos ip, because ip will be same as r. अब आप देखिए यहां पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, इट इज sin ip upon cos ip is equal to mu 2 over mu 1, or refractive index of 2 with respect to 1, और इसे आप लिख सकते हैं tan ip. So I can write ip is equal to tan inverse refractive index of 2 with respect to 1. इसी को बोलते हैं Brewster's law. This is called Brewster's law. तो बच्चे Malus law and this Brewster's law. एक एक बात बच्चे टिप्स पे आपके होने चाहिए. So we are talking about polarization through reflection. एक स्पेसिफिक एंगल पे जिसको अपन ने नाम दिया है पोलराइजिंग एंगल. रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होती है, आप देख रहे हैं. सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड है एंड दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड. रिफ्रैक्टेड इज पार्शियली पोलराइज्ड. एंड इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे. So, we get a relationship. हमने Snell's law apply किया. So, we got IP is equal to tan inverse mu 2 over mu 1. So, वो angle पता चल गया किस particular angle पे, यानी polarizing angle क्या होगा. So, we can get polarized light. Right, बच्चे? तो ये सारी बातें, जो भी कुछ पूछा जाएगा, straight away formula based, put the value, get the answer. और ये जो theoretical points है, वो सब आपके tips पे होने चाहिए. Coming to the last point on the wave optics, and it is polarization through scattering. बस बच्चे इतना ही पढ़ना है, यही अपना syllabus है. There are many other ways to achieve polarization, लेकिन अपने को बस बात करनी है polarization through polaroids, which are long chain molecules, Malus law, and then we talk about this thing, polarization through रिफ्लेक्शन. सो अब बात कर रहे हैं बच्चे पोलराइजेशन थ्रू स्कैटरिंग. पोलराइजेशन थ्रू स्कैटरिंग. ओके, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट. पोलराइजेशन थ्रू स्कैटरिंग. Okay, so now this is something important. So we are talking about scattering. Scattering ko pehle samajhte hain bachche. Scattering mein radiation absorb hota hai and it is re-radiated in different direction. So scattering mein kya hota hai? The phenomenon of re-radiation of incident light into different direction by obstacles called scatterer is called scattering. ठीक से बच्चे समझना है. Scattering
पहले तो वर्ड स्कैटरिंग को ठीक ठीक समझ लेते हैं। स्कैटरिंग में दो बातें हो गई, रेडिएशन इंसिडेंट होगा, एब्जॉर्ब होगा। सो फेनोमेनन ऑफ री रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, और ये जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं इन्हें स्कैटरर कहते हैं। ये रहा, सो दिस इज योर स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग में दो चीजें हुई, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड री रेडिएशन ऑफ, सो दैट्स द सेकेंड पॉइंट। सो स्कैटरिंग में दो बातें हो रही बच्चे, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हो रहा है, पहले एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ, या टेक द चॉक पीस। ओके बच्चे, सो स्कैटरिंग में बात कर रहे हैं, देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, दिस इज वन थिंग राइट बच्चे, एंड सेकेंड दिस री रेडिएशन, री रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये रहा स्कैटरिंग, ये मान लिया मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, स्कैटरर है, इस पे लाइट इंसिडेंट हुई, ये रहा लाइट इंसिडेंट हुई एंड देन इट इज रेडिएटेड इन, ये रहा बच्चे दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो देयर आर टू थिंग्स इन्वॉल्वड इन स्कैटरिंग, पहला स्टेप है रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड राइट एंड देन इट इज री रेडिएटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो ऑब्स्टेकल है, इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अपन स्कैटरर। ओके, थर्ड पॉइंट जो है, अब मेरे पास दो सिचुएशन है, इसका अगर मैं साइज मान लूं, डी क्या है, साइज ऑफ स्कैटरर, साइज ऑफ स्कैटरर, अगर ये डी वेवलेंथ के कंपेरेबल है, वेवलेंथ के कंपेरेबल है तो सेलेक्टिव स्कैटरिंग होगी, सेलेक्टिव स्कैटरिंग विल टेक प्लेस, सेलेक्टिव स्कैटरिंग विल टेक प्लेस, कुछ कलर्स कम स्कैटर होंगे, कुछ कलर्स ज्यादा स्कैटर होंगे, सेलेक्टिव स्कैटरिंग विल टेक प्लेस। और यहीं पर बच्चे एक लॉ है एंड इट इज कॉल्ड रेले लॉ, दिस इज द स्पेलिंग, सो एल ई आई जी एच, रेलेज लॉ, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा, सेलेक्टिव स्कैटरिंग। तो आप देख रहे हैं जो लोअर वेवलेंथ है उनकी इंटेंसिटी स्कैटर्ड रेडिएशन की ज्यादा होगी, स्कैटरिंग ज्यादा होगी। सो आप देख रहे हैं व्हाट इज आई, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, सेलेक्टिव स्कैटरिंग हो गए। अब यहां से हम कई सारी बातें समझ सकते हैं, जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाई दी डेंजर सिग्नल्स आर रेड। अब आप देखो जो डेंजर सिग्नल है वेवलेंथ रेड कलर की ज्यादा होती है, तो जब सिग्नल से लाइट ट्रेवल करेगी तो बीच में जो एयर मॉलिक्यूल्स और जो मीडियम पार्टिकल्स आएंगे उनसे लाइट स्कैटर हो जाएंगी, तो आप देखेंगे शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर हो जाएंगी, तो आपको जो रेडिएशन रिसीव होगा सोर्स से उसमें डोमिनेंटली रेड कलर होगा, दैट्स व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड राइट बच्चे। ओके, इसी तरीके से आप देखते हैं कि सनसेट और सनराइज होता है, द कलर ऑफ द स्काई रेडिश दिखाई देता है, अगेन वो जो लाइट ट्रेवल करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो जो आप रेडिएशन रिसीव कर रहे होते हो डोमिनेंटली इट इज रेड। एंड सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो आप देखेंगे जो कलर स्कैटर हुआ उसकी इंटेंसिटी उसमें डोमिनेंटली वायलेट एंड होगा, स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं बच्चे। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड
इफ यू हैव अ सिचुएशन डी इज मच ग्रेटर देन वेवलेंथ सो ऑल वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड almost equally so there is no selective scattering selective scattering tabhi hai jab scatterer ka size wavelength ke comparable hoga aur agar obstacle ya molecule ki size scatterer ki size zyada hui wavelength se to all wavelengths are equally scattered aur iska sabse badhiya example hai so air mein ice crystals hote hain to आइस क्रिस्टल्स का साइज वेवलेंथ से ज्यादा होता है इसीलिए एंड दिस एक्सप्लेन्स द व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड दिस एक्सप्लेन्स एक्सप्लेन्स द व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड व्हाइट कलर ऑल कलर्स आर इक्वली स्कैटर्ड इसीलिए क्लाउड का कलर क्या होता है बच्चे इट इज व्हाइट यहां से आप तीन बातें एक्सप्लेन कर रहे हो दैट इज डेंजर सिग्नल्स आर रेड ठीक है रेड कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज और जो तीसरी बात एक्सप्लेन कर रहे हो सेलेक्टिव स्कैटरिंग से इट इज ब्लू कलर ऑफ स्काई ब्लू कलर ऑफ स्काई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है रेले लॉ इसको पढ़ते बच्चे रेले हैं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ओके सो आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो आप इसको ध्यान दें बच्चे ये स्कैटरर है इस पे लाइट इंसिडेंट हुई ओके तो आप देखेंगे ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप इधर देख रहे हैं सो दिस विल बी योर पोलराइज्ड लाइट डायग्राम बच्चे ध्यान से देख लें बाकी डायरेक्शन में अपने पास विल हैव पार्शियली पोलराइज्ड बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो आप देख रहे हैं ये सोर्स ऑफ लाइट है सो दिस इज योर लाइट सोर्स ये जो देख रहे हैं बाकी डायरेक्शन में जो भी होंगी पार्शियली पोलराइज्ड एंड दिस इज इंपॉर्टेंट तो ये पोलराइज्ड लाइट हो गई दिस इज अनपोलराइज्ड हो जाएगी बाकी और डायरेक्शन में देखते हैं तो दैट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड बस ये डायग्राम आपको याद रखना है और कुछ नहीं सो बच्चे दिस इज इन नटशेल पोलराइजेशन और स्ट्रेट अवे दो फॉर्मूला याद रखना ब्रूस्टर्स लॉ एंड देन मैलस लॉ इसी पे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कभी कभी पूछ ले आते हैं तो ये एक्सप्लेनेशंस मैंने दे दी है और व्हाइट कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ऑल वेवलेंथ इक्वली सो दिस इज योर स्कैटरर राइट बच्चे तो ये लाइट इंसिडेंट लाइट हो रही है इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आप देख रहे हैं यहां पर ये सो दिस इज पोलराइज्ड लाइट इतना बच्चे आना चाहिए एंड लास्ट पॉइंट एंड विच इज आई जस्ट क्लोज विद दैट पॉइंट ह्यूमन आईज कैन नॉट डिस्टिंग्विश ह्यूमन आईज कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट Human eyes cannot distinguish, but there are certain bees, right? So this is very, very important. But there are certain
बीज, राइट? सो बीज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट. ओके बच्चे, सो दैट्स अ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट. सो रिमेंबर इट, ह्यूमन आईज कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, बट सर्टेन स्पीशीज ऑफ बीज दे आर कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग. सो दिस इज इन नटशेल पोलराइजेशन. एंड ध्यान आपको बच्चे बस वही रखना है जो मैंने बताया है, पोलराइजेशन थ्रू स्कैटरिंग एंड पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन. पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन में ब्रूस्टर्स लॉ, पोलराइजिंग एंगल दैट इज आई पी इज इक्वल टू टैन इनवर्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन. सो दैट इज द समरी पार्ट ऑफ इट. और एक मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चे पोलराइजेशन को समझने के लिए, सो दैट यू कैन अप्रिशिएट. सपोज आई टेक अ रेक्टेंगुलर स्लॉट, सो यू कैन अप्रिशिएट ये रहा बच्चे. वी हैव अ कार्डबोर्ड एंड दिस इज हाउ, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लॉट, रेक्टेंगुलर स्लॉट. तो इससे आपको पोलराइजेशन की फीलिंग आ जाएगी. अब आप देखो बच्चे, एक बात समझ में आती है, ये जो रस्सी है, आई एम होल्डिंग द रोप इन माई हैंड. अगर मैं रस्सी को ऐसे जर्क देता हूं, तो इफ यू जर्क लाइक दिस, तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये स्लॉट से पास हो जाएगा. ध्यान से सुनना, तो ये सामने मेरे स्लॉट है, तो मैंने रस्सी को ऐसे जर्क दिया, तो ये डिस्टर्बेंस स्लॉट के थ्रू ट्रेवल कर जाएगा. लेकिन अगर मैंने जर्क ऐसे दिया, अगेन लुक एट माई हैंड, ध्यान से बच्चे, अगर मैंने रस्सी को ऐसे झटका दिया, तो ये जो डिस्टर्बेंस है वो स्लॉट से पास नहीं होगा. और अगर मैंने ऐसे दिया, तो डिस्टर्बेंस के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये हो गया स्लॉट के पैरेलल और एक स्लॉट के परपेंडिकुलर. तो जो स्लॉट के पैरेलल कंपोनेंट होगा वो पास हो जाएगा, स्लॉट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पास नहीं होगा. तो एग्जैक्टली यही पोलराइजेशन है. तो ये इसको पोलराइजर बोलेंगे, इसको पोलराइजर बोलेंगे, ये पोलराइजर का काम कर रहा है. और आप देख रहे हैं ये ट्रांसवर्स वेव है रस्सी में, किस तरीके की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं. तो अपने को समझ आ गया यहां पे, दो बातें समझ में आई, ठीक है, डिस्टर्बेंस पैरेलल टू स्लॉट विल पास, दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंड इज डिस्टर्बेंस परपेंडिकुलर टू स्लॉट विल बी ब्लॉक्ड. तो इधर क्या होगा, अनपोलराइज्ड वेव, और इस स्लॉट के बाद क्या होगा, वी विल हैव पोलराइज्ड वेव. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड. तो अपन एक रस्सी ले ली, जब भी आप रस्सी में जर्क देते हैं तो उसमें ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. बीच में मैंने एक रेक्टेंगुलर स्लॉट ले लिया बच्चे, आप देख रहे हैं दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लॉट, तो ये दिख रहा है मुझे क्लियरली. अगर मैं रस्सी को ऐसे जर्क दूंगा तो डिस्टर्बेंस विल ट्रेवल थ्रू, लेकिन अगर मैंने रस्सी को ऐसे जर्क दिया डिस्टर्बेंस ब्लॉक हो जाएगा. किसी और एंगल पे जर्क देंगे तो दो बातें होंगी, जो डिस्टर्बेंस का कंपोनेंट होगा पैरेलल टू स्लॉट वो पास हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा. एग्जैक्टली वही होता है. ऑप्टिकल डिस्टरबेंस का मतलब होता है लाइट वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, राइट स्टूडेंट? सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स एंड द एंटायर ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स इज कंप्लीटेड बाय नाउ. टिल देन बच्चे, सो कीप वॉचिंग वीडियोज, कीप लर्निंग, स्टे सेफ.